गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फोर्थ क्लास इन SST. SST में बेटा आज आप लोग पढ़ेंगे लेसन 5. लेसन 5 क्या है देखिए, द साउथर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड. साउथर्न प्लेट्यूज मीन्स दक्षिणी पठार, आइलैंड मीन्स द्वीप. ठीक है, दक्षिणी पठार और द्वीप. तो चलिए देखते हैं, गेट सेट. इसमें क्या दिया है, सबसे पहले आपका क्या है देखिए, टिक द करेक्ट आंसर. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे टिक कीजिए. पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट्यूज इन इज इनकरेक्ट. नीचे दिए गए स्टेटमेंट में प्लेट्यूज के बारे में जो इनकरेक्ट है उस पर टिक करना है. ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मीन्स जो गलत है. तो चलिए देखते हैं. ए, इट इज़ ए फ्लैट टॉप्ड लैंड विद स्टीप साइड्स. क्या है बेटा ये, इट इज़ ए फ्लैट टॉप्ड लैंड विद स्टीप साइड्स. यह खड़ी भुजाओं वाली समतल भूमि है. ठीक है, समतल भूमि है. ये खड़ी भुजा वाली समतल भूमि है, मतलब ये ऊंचाई पे, ये जो प्लेट्यूज होता है, पठार होता है, ऊंचा होता है, लेकिन उसका जो टॉप होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, प्लेन होता है, समतल होता है. ठीक है, तो ये क्या है, सही है, ये करेक्ट है. इट इज़ द फ्लैट टॉप्ड लैंड विद स्टीप साइड. क्या है ये खड़ी भुजाओं वाली समतल भूमि है. तो ये करेक्ट है, सही है, इस पर टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. बी, ग्लेशियर आर फाउंड इन द प्लेट्यूज़. प्लेट्यूज़ में ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये इनकरेक्ट है. ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं. ग्लेशियर मीन्स क्या होता है, हिमनद, बर्फ की नदी. ठीक है, तो ये प्लेट्यूज़ में नहीं पाए जाते हैं, पठार में ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं. ये पाए जाते हैं किसमें, पर्वतों में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है. इस पर क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सी, द डेक्कन प्लेट्यूज इज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. डेक्कन प्लेट्यूज मीन्स दक्षिणी पठार, दक्कन का पठार. ठीक है, दक्कन का, ये डेक्कन प्लेट्यूज जो है, इसका मतलब है दक्कन का पठार, इंडिया का दक्षिणी पार्ट है. दक्कन का पठार इंडिया का दक्षिणी पार्ट है, ये करेक्ट है, सही है. ठीक है, तो इस पे क्या करना है, नहीं टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है इनकरेक्ट. जो इनकरेक्ट है उस पे टिक करना है. तो इस तीनों में कौन सा इनकरेक्ट है, बी है, ग्लेशियर आर फाउंड इन द प्लेट्यूज. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइलैंड इज करेक्ट. नीचे दिए गए स्टेटमेंट में आइलैंड के बारे में कौन सा करेक्ट है, सही है, करेक्ट में सही है. तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है बेटा. ए, वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड एन आइलैंड. ठीक है, वाटर सराउंडेड बाय लैंड, भूमि से घिरे हुए, वाटर मीन्स पानी को आइलैंड कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है. नहीं, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया है, भूमि से घिरे हुए पानी को आइलैंड नहीं कहा जाता है, पानी से घिरे हुए भूमि को क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, इस पर टिक नहीं करना है. नेक्स्ट देखते हैं. बी, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया. इंडिया में 3 मेन ग्रुप्स मीन्स 3 मुख्य क्या हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह हैं. इंडिया में 3 मुख्य द्वीप समूह हैं. नहीं, ये इनकरेक्ट है, गलत है. 3 मुख्य द्वीप समूह नहीं है, 2 मुख्य द्वीप समूह है, 2 मेन ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया. तो इस पर भी टिक नहीं करना है. नेक्स्ट देखते हैं. सी, लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में है. लक्षद्वीप आइलैंड अरब सागर में है, ये
सही है। हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरब सागर में ही स्थित है, ठीक है, तो ये करेक्ट है, इस पर आपको टिक करना रहेगा। इसमें कौन सा सही है, करेक्ट है सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द साउथर्न प्लेट्यूज एंड द टू आइलैंड ग्रुप्स। इस लेसन में हम साउथर्न प्लेट्यूज दक्षिणी पठार और टू आइलैंड ग्रुप्स दो द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेसन में हम दक्षिणी पठार और दो द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। द साउथर्न प्लेट्यूज, दक्षिणी पठार। द साउथर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। साउथर्न प्लेट्यूज मीन्स दक्षिणी पठार, लोकेटेड मीन्स स्थित है, साउथ मीन्स दक्षिण, नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स मीन्स उत्तरी मैदान, नॉर्थर्न मीन्स उत्तरी, प्लेन्स मीन्स मैदान। साउथर्न प्लेट्यूज मीन्स दक्षिणी पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। आगे, दे आर ट्रेंगुलर इन शेप एंड आर सराउंडेड बाई हिल रेंजेस। ए ट्रेंगुलर इन शेप, आकार में त्रिभुजाकार है, ट्रेंगुलर मीन्स त्रिभुजाकार, एंड आर सराउंडेड बाई हिल रेंजेस, और सराउंडेड से घिरे हुए हैं, और चारों तरफ से हिल रेंजेस मीन्स पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये आकार में त्रिभुजाकार हैं और चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है। सी मैप 5.1, सी मीन्स देखिए मैप 5.1। चलिए मैप 5.1 देखते हैं। ये देखिए मैप 5.1, लोकेशन ऑफ द साउथर्न प्लेट्यूज एंड आइलैंड, ठीक है। तो ये देखिए आपका इंडिया का मैप है हमारा, ठीक है, ये पूरा इंडिया का मैप है। मैप में ये क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो ऑरेंज कलर से कलर है, ये क्या है, साउथर्न प्लेट्यूज है, दक्षिणी पठार है। तो देखिए ये किस आकार में है बेटा, ये यहाँ से ऐसे आया है, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर इस आकार में हो गया है। तो क्या हो गया, ये कौन सा आकार बन गया, ट्रेंगुलर, ठीक है, त्रिभुजाकार, ओके। और ये त्रिभुजाकार आकार में है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए छोटा छोटा क्या लिखा है, नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स मीन्स उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के दक्षिण में, साउथ में, ठीक है, साउथ मीन्स दक्षिण में। ये देखिए नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ में स्थित है साउथर्न प्लेट्यूज, ओके। चलिए आगे देखिए। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड यूनिवन। प्लेट्यू रीजन, पठारी क्षेत्र, सरफेस में सतह, पठारी क्षेत्र की सतह, रॉकी मीन्स चट्टानी, एंड यूनिवन मीन्स आसमान। पठारी क्षेत्र की सतह चट्टानी और आसमान होती है, ठीक है। आज की क्लास में बस आप इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अब चलिए आप लोग क्लास वर्क देखिए, अपना क्वेश्चन आंसर। ये देखिए आपका क्वेश्चन आंसर है, लेसन 5, द साउथर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड। इसमें क्वेश्चन है बेटा, दक्षिणी पठार, लोकेटेड मीन्स
आंसर लिखिएगा। और होमवर्क में बेटा, होमवर्क में आप लोग बेटा जो हमने यहाँ पे बताया है गेट सेट, ठीक है, आपके बुक में सबसे पहले जो है गेट सेट, इसमें क्या है टिक द करेक्ट आंसर। अभी हमने इसमें बताया है कि जो करेक्ट आंसर है इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया है पहले में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट्यूस इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में प्लेट्यूस के बारे में जो इनकरेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। तो हमने तीनों पढ़ा था, इसमें कौन सा इनकरेक्ट था, बी ग्लेशियर आर फाउंड इन द प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेट्यूज में ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बी वाले पे टिक करना है, बाकी छोड़ देना है। सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइलैंड इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में आइलैंड के बारे में जो करेक्ट है उस पर टिक करना है। तो इन तीनों में ए बी सी दिए हैं, तो हमने क्या बताया था कौन सा करेक्ट है, सी लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी, सी वाला करेक्ट है, इसको आप लोग इस पर टिक कीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके बेटा, आप लोग होमवर्क और क्लासवर्क अपनी कॉपी और बुक में कीजिएगा। थैंक यू।